संचारी रोग एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से संचारी रोग अभियान की शुरुआत होगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित 12 विभाग शामिल होंगे। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने बताया कि जेई एईएस पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए 1 जुलाई से संचारी रोग अभियान तथा 15 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशाएं घर घर दस्तक देंगी और जेई एईएस के बचाव के साथ कोरोना से बचाव के भी जागरूक करेंगी। इसके लिए आशाओं को प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा, कोविड के साथ ही साथ हम लोगों का जेईएस प्रोन जिला है, तो इसमें संचारी रोग का कार्य बिल्कुल भी बाधित नहीं होगा। हमने संचारी रोग के संबंधित और जेईएस से संबंधित सारी ट्रेनिंग सभी स्तरों तक आशाओं तक कंप्लीट कर ली है और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग अभियान चलेगा, माह चलेगा, जिसमें हम 12 विभाग मिलकर काम करेंगे और 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशाएँ दस्तक देंगी घरों पर और जाके वहाँ जेईएस से बचाव, अब तो कोरोना के लिए भी उनको हमने ट्रेनिंग दी है, उसके बचाव के लिए भी लोगों को बताएंगी, जागरूक करेंगी, हाथ कैसे धोना चाहिए, बुखार आने पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें दस्तक अभियान में चलती हैं। उसकी हम DTF कराने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के लेवल पे उसकी बैठक कराने जा रहे हैं, जिसमें सारे 12-13 विभाग हमारे साथ बैठक करके अपनी कार्य योजना देंगे और उस कार्य योजना के अनुसार 1 तारीख से हम लोग वो कार्य शुरू करेंगे। कोरोना के बारे में बहुत ही बार ट्रेनिंग दी गई है, रिपीटेड ट्रेनिंग आशाओं ANMs को दी गई है, क्योंकि वो फील्ड वर्कर हैं और वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो घर घर जाती हैं, इसलिए वो इसके बारे में भी जाके लोगों को जागरूक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना बार बार, इनके क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसको क्रियान्वित करना चाहिए। और अगर किसी को बुखार खांसी या जुकाम जैसे सिम्टम आते हैं तो उसकी सूचना MOIC के फ़ोन नंबर पर, हमारे फ़ोन नंबर पर आशा को डायरेक्टली अवश्य दे दें, जिससे कि हम उनकी जाँच करके उनको उचित इलाज दिला सकें और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उस तरह से इलाज जाए।